Hello students, welcome back to all 60 classes of RDS Book of Schools. This video is for class 6. And today I'm going to start next part of this chapter number 2, Diversity and Discrimination. So I hope everybody have understood previous topics like stereotypes and with the example of girls and boys, what are the qualities of girls and boys, and how to behave accordingly. So let's start next topic, inequality and discrimination class. Inequality जानते हैं आप, इनइक्वालिटी मीन्स होता है असमानता होना, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव होना. देन डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स. इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन. डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन जो है जब पीपल के साथ एक्ट होता है एज अ स्टीरियोटाइप. हमने भी अभी देखा कि प्रिजुडिस मीन्स भी भेदभाव. हमने देखा लाइक गर्ल्स में और बॉयज़ में कि किस तरह से उन लोगों को बचपन से उन चीज़ों के साथ सिखाना होता है, सिखाते हैं लोग, और किस तरह से वो बिहेव करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं. हमने ये स्टीरियोटाइप्स या प्रिजुडिसेस में पढ़ा. इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर, अगर आप और भी चीज़ों को देखते हैं, पुट अदर पीपल डाउन इन सर्टेन पीपल डाउन इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटी. क्या देखते हैं अगर इसमें हम इन एक्टिविटीज़ को लें, ये भी एक हिस्सा है इन चीज़ों का. ओके तो किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक टेकिंग अप जॉब्स में देखते हैं, आप जॉब्स में जॉब्स की बात को ले लेते हैं, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, और नेबरहुड में रह रहे लोगों के साथ भी ये चीज़ें जो होती हैं उसे भी स्टॉप करना है. सो प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर, और पानी लेने के लिए, उसे सुरक्षित तरीके से पीने के लिए, फ्रॉम द सेम वेल एंड हैंड पंप, और हैंड पंप के यूज़ के लिए. स्टूडेंट्स पहले क्या होता था कि जो ये अनटचेबिलिटी थी, तो अनटचेबिलिटी में जो लोअर कास्ट के पीपल होते थे उन लोगों को वेल्स, टैंक्स, हैंड पंप्स, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करने दिया जाता था. इसमें पहले वही लोग पानी लेते थे, वही लोग वाटर लेते थे जो अपर कास्ट के होते थे, उसके बाद इन लोगों को दिया जाता था. ओके क्लास. और नॉट अलाउ देम ड्रिंक टी इन द सेम कप्स. और क्या होता था कि आप एक ही बर्तन में उन लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं दे सकते थे, जैसे ड्रिंकिंग टी पीने के लिए, चाय, इन द सेम कप में नहीं पीते थे, और ग्लासेस एज अदर्स. यू आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम. तो आप लोग जो हैं देख सकते हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन, कैसे भेदभाव हो रहा है उन लोगों के साथ. डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हर जगह डिफरेंट रीजन, इसके बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं. यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर. और आइए हम पिछले चैप्टर की बात करते हैं, समीर एक और समीर दो की. वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से भिन्न थे, बहुत सारे तरीक़ों में भिन्न थे. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, वो दोनों डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते थे. दिस इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, उनकी जो विभिन्नताएँ थीं वो भी अलग अलग थीं. हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और ये जो डाइवर्सिटी थी ये डिस्क्रिमिनेशन का सोर्स हो सकती है. दो ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक इन सर्टेन लैंग्वेज, ऐसे ग्रुप्स लोगों के जिनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती हैं, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं,
लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स एट्सेट्रा, और एक स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर कस्टम्स, तो ये लोग जो होते हैं ये कस्टम से, रिचुअल से, और जो प्रैक्टिसेस होती हैं हमारे कल्चर में, हमारे रीजन्स में, उनके अगेंस्ट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है इन लोगों के साथ। मे बी सीन एज इन्फीरियर, और इसे हम बहुत ही इन्फीरियरी तरीके से देख सकते हैं। देन अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समिट्स, अनदर डिफरेंस हम देख सकते हैं, अनदर रीजन्स जो हैं इसके, उसमें हम देख सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द टू समिट्स। दो डिफरेंस देखने को मिले हमें, जिनमें था इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी कि उनकी जो आर्थिक परिस्थितियाँ थीं उनमें भी बहुत डिफरेंस था। समीर दो वॉज पुअर, समीर दो जो था वो बहुत पुअर था। दिस डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है, एज यू हैव रीड अर्लियर इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये देखिए, ये एक डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं हो सकता, ये किसका फॉर्म होता है, इनइक्वालिटी के, यानी कि इन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करना। पीपल हु आर पुअर, जो लोग पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, उनके पास कोई भी संसाधन नहीं होते हैं, और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स, और उनके पास पैसा भी नहीं होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, या फिर शेल्टर के लिए। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, और भी कई जगह, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली, और इनके साथ बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता है, बिकॉज दे आर पुअर, ऐसा इसलिए क्योंकि वो पुअर हैं। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ दोनों ही चीज़ें होते हैं, दोनों ही तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। दे आर पुअर, वो पुअर होते हैं, दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यूड, और वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लाइक एज ट्राइबल्स, हम देखते हैं आदिवासियों को, लोगों की कोई वैल्यू नहीं करता, इसलिए उनको बहुत ही नीची निगाहों के साथ देखा जाता है, बहुत ही नीची नज़रों के साथ देखा जाता है। सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर, कुछ ऐसे धार्मिक समूह हैं, ग्रुप्स हैं, जिसमें इवन एंड इवन पर्टिकुलर रीजन, और इवन ये एक पर्टिकुलर एरिया में हैं, आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स, और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके अगेंस्ट, और इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा रीजन्स देख सकते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो इसमें अभी हम देखेंगे, इस सेक्शन को भी देखेंगे कि इसमें किस तरीके, इसमें फेमस इंडियंस जो हैं, लाइक देखिए दिया है, इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ अ फेमस इंडियन वॉज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। अब फॉलोइंग सेक्शन में हम क्या देखेंगे कि जो फेमस इंडियन हैं उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया गया। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वॉज यूज टू डिस्क्रिमिनेट। अच्छा, अब देखिए ये जो सेक्शन है ये हेल्प करेगा उन चीज़ों को, उन तरीकों को बताने के लिए जिसमें कास्ट के साथ, कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जब मेजॉरिटी होती है और अदर कास्ट की माइनॉरिटी होती है तो भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। इज दैट क्लियर क्लास? सो वी ऑल्सो रीड दिस ब्लॉक, अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट मुस्लिम इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, एक कॉमन स्टीरियोटाइप जो है वो मुस्लिम्स भी है, जो कि जो जिनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लाइक एजुकेटिंग गर्ल, therefore do not send girls to school, in इस कास्ट के लोगों को, इस धर्म के लोगों को, गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता। However, studies have now shown that poverty among us Muslims is an important reason, और इसमें इस अध्ययन में हम देखेंगे, ये शो कर रहा है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो मुस्लिम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है कि क्यों मुस्लिम्स गर्ल्स को स्कूल अटेंड नहीं करने दिया जाता है, और ना ही किसी
उसमें भेजा जाता है. और फ्यू और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. और अगर भेजा भी जाता है तो कुछ सालों बाद वहाँ से क्यों ड्रॉप कर लिया जाता है. वेर एवर एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रीच एजुकेशन टू द पुअर. और वेर एवर कहीं भी ये एफर्ट्स जो हम देखते हैं डालते हैं जिसमें क्या चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, एजुकेशन टू द पुअर, ये एजुकेशन जो है वो पुअर है. देयर एंड मुस्लिम देयर द मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ शोन एन इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल. और मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जो जो इसमें हम देख रहे हैं इस सेक्शन में, इस पिक्चर में, कि मुस्लिम गर्ल्स को क्या किया जा रहा है, अब इंटरेस्ट लिया जा रहा है, स्कूल भेजा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल लाइक इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला की बात हो रही है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच. अच्छा, केरला के स्कूल्स में जो डिफरेंट डिस्टेंस है वो घर से स्कूल तक का, वो एक खास डिस्टेंस नहीं है. देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट भी अच्छी है, बस सर्विसेज भी हैं दैट हेल्प्स टीचर्स, जो टीचर्स की हेल्प करती हैं स्कूल्स में पहुँचाने में जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं. एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स, और ओवर 60% ऑफ द टीचर्स जो हैं वो कैसी हैं, कौन है, वुमेन है. यानी 60% टीचर्स हमें वहाँ पर वुमेन मिलेंगे. दीज फैक्टर्स हैव हेल्प चिल्ड्रेन फ्रॉम पुअर फैमिलीज. और ये जो फैक्टर्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स, जिसमें मुस्लिम गर्ल्स भी इंक्लूड हैं, जो स्कूल अटेन करती हैं मच लार्जर नंबर्स में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में. इन अदर स्टेट्स, अगर हम अन्य प्रदेशों की बात करें, वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड चिल्ड्रन, ये जो एफर्ट्स हैं ये चिल्ड्रन के लिए नहीं डाले जाते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं. वेदर मुस्लिम, अब वो चाहे मुस्लिम हो, ट्राइबल हो, या फिर कोई भी लोअर कास्ट का पर्सन हो, फाइंड इट डिफिकल्ट टू द अटेंड स्टाइफ. इसको हम फाइंड करेंगे कि किस तरह से डिफ़िकल्ट है स्कूल को अटेंड करने. देयर फॉर पॉवर्टी नॉट रिलीजन, पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी रिलीजन नहीं है, गरीबी एक धर्म नहीं है. इज़ द कॉज ऑफ फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल, ये एक फैक्टर है, ये कारण है, ये कॉज है कि मुस्लिम गर्ल्स जो होती हैं वो स्कूल में अटेंडेंस नहीं देती हैं अपनी. सो आई होप एवरीबडी इज़ हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. सो वॉच वीडियो केयरफुली एंड रीड इट केयरफुली. नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन.